हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ फाइन। टुडे वी लर्न लेसन 3, द फिश एंड द डक, इट्स एक्सरसाइज। ओके बच्चों, हमने क्वेश्चन आंसर तक के कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो थर्ड है से अलाउड, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर से अलाउड में दिया हुआ है कि इसको ऊंचे स्वरों में बोलना है, ऊंचे आवाज में बोलना है। इसका प्रोनंसिएशन जो है सही होना चाहिए। जैसे इसे हम पढ़ेंगे मैरिली। ओके, मैरिली मीन्स होता है खुशी से। ओके, फिर है शोर, है ना। अब ये शोर SH लिखा है तो ये वाला शोर है, तो शोर का मतलब होता है किनारे, किनारा। ओके, नेक्स्ट है इसमें जूसी। जूसी का मतलब होता है रसीली। इसके बाद है अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब होता है केचुआ। केचुआ मतलब जो मिट्टी में होता है, है ना, जो लंबा होता है वो है, है ना। इसे हम कछुआ नहीं बोलेंगे। अर्थवर्म मीन्स केचुआ, जो मिट्टी के अंदर होता है। फिर यहाँ पे है पैडल्ड। ओके, तो पैडल्ड का मतलब होता है पास जाना, ठीक है। जैसे बदक है तो बदक मछली के पास जाती है तो वो चलते हुए जाएगी, वो क्या कहलाएगा, पैडल्ड। उसके बाद है सेल। सेल का मतलब होता है शंख, ठीक है। सेल का मतलब होता है शंख। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर है फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ में दिया हुआ है लिसन एंड रिपीट। इसे सुनना है और रिपीट करना है। ओके, जैसे यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड क्या है, इनका उच्चारण सेम होगा लेकिन इसका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो अलग होंगे। ओके, जैसे हम इसे सी, इस सी को हम क्या लिखेंगे, जैसे सी, तो सी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, समुद्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है SHE, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, शी। और ये शक्कर का श है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो जीभ है उसे थोड़ा सा मोड़ना है, शी। और ये वाले समय हमको क्या करना है, सरोता के स वाले में सिंपल सा बोलना है, जिसमें जीभ को हमें मोड़ना नहीं है, सी। और इसे हम क्या पढ़ेंगे, शी। और इसका मतलब होता है वह। इसमें क्या हो रहा है, उच्चारण सेम है, शी शी, लेकिन इसका जो वर्ड मीनिंग है वो अलग है। ओके, तो स्पेलिंग सेम, उसकी जो वर्ड मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सी लिखा हुआ है SEA, इसका मतलब होता है समुद्र, बट यहाँ पे SHE लिखा है, शी, वह। और ये क्या होता है, गर्ल के लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। अब है सेल, इसे हम क्या लिखेंगे, सेल। और पढ़ेंगे तो जीभ को हमें मोड़ना नहीं है, सिर्फ सिंपल सा बोलेंगे सेल। तो सेल का मतलब होता है बेचना। ओके, अब यहाँ पे लिखा है शेल। इस शेल SH का मतलब, इसमें ये शक्कर का श है तो इसमें क्या हो जाएगा, शेल। सेल का मतलब क्या होगा यहाँ पे, संख। ओके, स्पेलिंग में अंतर है, डिफरेंट है, इसलिए इसका जो वर्ड मीनिंग है वो भी अलग हो जाएगा और इसके उच्चारण भी अलग है। सरोता वाले श में हमको
जीभ को मोड़ना नहीं है, सिंपल बोलना है, लेकिन शक्कर कषा वाले में हमें जीभ को थोड़ा सा घुमाना है। जैसे इसका उच्चारण होगा सेल, सिंपल सा है ना, और इसका वर्ड मीनिंग होगा बेचना। इसी तरह से है, इसमें हम जीभ को थोड़ा सा मोड़ेंगे शेल, और इसका उच्चारण होगा शंख। शंख भी बोलेंगे तो हम उसे जीभ को थोड़ा सा घुमा के बोलेंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है ये वाला है ना, एस ओ आर ई। इसे हम पढ़ेंगे सिंपल सा बोलेंगे, जीभ को नहीं घुमाएंगे, और हम इसे बोलेंगे शोर, ठीक है। और एस एच ओ आर ई, इसे हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सा जीभ को टर्न करना है, घुमाना है, इसे हम बोलेंगे शोर, ठीक है। इसे हम क्या बोल देंगे, शोर, ओके। अब इस ऊपर वाले शोर का मतलब है घाव या कष्ट, नाराज, इस तरह से कई इसके वर्ड मीनिंग होते हैं, ठीक है। और ये जो शोर है, इस शोर का मतलब होता है किनारा, किनारे के लिए हम जो है शोर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है इसमें इसमें लिखा हुआ है एस आई टी। इस एस का मतलब होगा ये श्रोता का सा है ना। अब इसे हम जब पढ़ेंगे तो ये है सीट, सीट यानी बैठना, ठीक है। इसी तरह से अब एस एच आई टी लिखा है तो ये इसे हम जीभ को थोड़ा सा टर्न करके बोलेंगे शीट, और इसका मतलब क्या होगा, जैसे हमें तेज गुस्सा दिखाना होता है उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ओ सिट, ये तुमने क्या कर दिया, तो ये तेज गुस्सा दिखाने के लिए हम शिट इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इस सरोता का सा वाला सीट का मतलब होता है बैठना। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्विस्ट योर टंग, अपनी जीभ को घुमाओ। यदि जिसमें एस एच लिखा हुआ है उसमें हमें जीभ को टंग को टर्न करना है, और जिसमें एस लिखा हुआ है उसमें हमें बिना टंग को घुमाए उस शब्द को बोलना है, ठीक है। जैसे इसे पढ़ते ही जाना है, शी सेल्स, सी शेल्स ऑन द सी शोर, ओके। ध्यान देना है जिसमें एस एच है उसमें टंग को टर्न करना है, शी सेल्स, सी सेल्स ऑन द सी शोर, ओके। आपको भी इसे घर में प्रैक्टिस करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वोकेबुलरी, शब्द कोश, ओके। इसमें है क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट एंटोनिम्स, फाइंड मतलब ढूंढना है इसमें एंटोनिम्स विलोम शब्द फ्रॉम द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं एंटोनिम्स, ये वर्ड हैं, इसे हमें ढूंढकर इस शब्द के फ्रंट में सामने हमें लिखना है, ओके। फर्स्ट है इसमें, सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। ओवर मीन्स होगा ऊपर, नियर पास, पुश इसमें है धक्का देना, बॉटम नीचे, यंग युवा जवान, ओके। अब इस टॉप का मतलब होता है शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊपर, तो इसका जो
अपोजिट या एंटोनिम्स वर्ड आएगा वो है ये बॉटम। टॉप का हम क्या लिखेंगे? बॉटम, बी ओ डबल टी ओ एम, ये पहले में आएगा। ओके, इसका मतलब होता है नीचे। फिर सेकंड में क्या आएगा, एंटोनिम्स क्या आएगा सेकंड में? सेकंड वर्ड है अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, तो इसका अपोजिट आएगा ओवर, ओवर मीन्स ऊपर। ओके, थर्ड है फार, फार मीन्स होता है दूर, तो इसका अपोजिट होगा नियर, नियर मीन्स होता है पास। नेक्स्ट इसमें है फोर्थ ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है वृद्ध, बूढ़ा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? यंग, यंग मीन्स होगा युवा। फिफ्थ है पुल, पुल यानी क्या होता है? खींचना, पुल मीन्स खींचना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? पुश, पुश यानी धक्का देना। ओके बच्चों, तो इस तरह से इसका वर्ड मीनिंग पता होगा तो ये आसानी से बन जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वोकेबुलरी, शब्द कोश। ओके, इसमें है क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट एंटोनिम्स, फाइंड मतलब ढूंढना है इसमें एंटोनिम्स विलोम शब्द फ्रॉम द ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं एंटोनिम्स, ये वर्ड हैं, इसे हमें ढूंढ कर इस शब्द के फ्रंट में सामने हमें लिखना है। ओके, फर्स्ट है इसमें, सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। ओवर मीन्स होगा ऊपर, नियर पास, पुश इसमें है धक्का देना, बॉटम नीचे, यंग युवा जवान। ओके, अब इस टॉप का मतलब होता है शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊपर, तो इसका जो अपोजिट या एंटोनिम्स वर्ड आएगा वो है ये बॉटम। टॉप का हम क्या लिखेंगे? बॉटम, बी ओ डबल टी ओ एम, ये पहले में आएगा। ओके, इसका मतलब होता है नीचे। फिर सेकंड में क्या आएगा, एंटोनिम्स क्या आएगा सेकंड में? सेकेंड वर्ड है अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, तो इसका अपोजिट आएगा ओवर, ओवर मीन्स ऊपर। ओके, थर्ड है फार, फार मीन्स होता है दूर, तो इसका अपोजिट होगा नियर, नियर मीन्स होता है पास। नेक्स्ट इसमें है फोर्थ ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है वृद्ध, बूढ़ा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? यंग, यंग मीन्स होगा युवा। फिफ्थ है पुल, पुल यानी क्या होता है? खींचना, पुल मीन्स खींचना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? पुश, पुश यानी धक्का देना। ओके बच्चों, तो इस तरह से इसका वर्ड मीनिंग पता होगा तो ये आसानी से बन जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, इसका मतलब है जानवरों की, मूवमेंट मीन्स गतिविधि, उनकी एक्टिविटी क्या है वो है। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, स्विम तैरना, ओके, फ्लाई उड़ना, क्रॉल इसका मतलब होता है घिसटना, रेंगना, ठीक है, फ्लटर, फ्लटर मतलब होता है स्पंदन, जैसे तितली का होता है ना वो फ्लटर, क्लाइंब चढ़ना। ओके, अब हम देखते हैं कि ये सब
जो गतिविधि है किसके द्वारा की जाती है, ओके, कौन से एनिमल के द्वारा की जाती है। फर्स्ट है इसमें स्नेल, तो स्नेल क्या करती है, वो घिसटती है, है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो है क्रॉल, CRAWL, क्रॉल, घिसटना, ओके। अब है फिश, फिश क्या करेगी, तैरेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्विम, SWIM, स्विम, ओके। बर्ड्स, बर्ड्स का मूवमेंट क्या होता है, फ्लाई, उड़ना, ओके, ये है फ्लाई। इसके बाद है फोर मंकी, मंकी क्या करेगा, कौन सा मूवमेंट करेगा, मंकी क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, जैसे वो पेड़ों में चढ़ता है ना वैसे। फिर फिफ्थ है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसे करती है, अपने पंखों को ओपन क्लोज ओपन क्लोज ऐसे करती, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लटर। इसकी जो मूवमेंट है उसे हम किस नाम से जानेंगे, फ्लटर, ओके। और फ्लटर का मतलब होगा स्पंदन, ठीक है, स्पंदन बोलेंगे इसे, ओके बच्चों। तो इसकी आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, ओके बच्चों, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।